लोग बस खो रहे हैं, हम लोग करीगर हैं, हम लोग हरिजने हैं, डोमे हैं, मेरे कास्ट दूसरा है हम लोग का। डोम किसको जो घाट कमाता है, घाट जो कमाता है उसको बोल जाता है डोम, जो घाट पे रहता है। हम लोग घाट नहीं कमाते हैं, हम लोग का करीगरी है, हाथ में बांस खरीद कर लाते हैं झारखंड से, खरीद के उसको काट के छांट के बत्ती करके बनाते हैं। 10 परिवार में एक परिवार जो है सब मिलजुल करके कमाते हैं, उसमें जो है अपना पूंजी लगा करके जो है 400-500 बचता है। कुछ नहीं दिया हम लोग को सरकार, बेफालतू खाली आता है लिख के चला जाता है, कोई समाधान नहीं होता है, नहीं बस्ती का, नहीं समाज का, नहीं घर का, नहीं द्वार का, कोई समाधान नहीं होता है। कभी कभी नाम अभी राशन कार्ड से खत्म हो जाता है, इलेक्शन में नामे नहीं आता है मेरा, जो उसको वोट अथी किए आज से 10 साल पहले से उसका इलेक्शन से नामे हट गया है। पहले देता था इलेक्शन में वोट, अब हट गया है तो इलेक्शन में नामे नहीं आता है 10 साल से। लेकिन वोट तो मोदी जी को देवे करेंगे, चाहे नोट कितनों को दे, वोट देंगे मोदी जी को क्यों? उसमें खुबी की हिंदू का इज्जत बचा। सुरेंद्र बाकोल, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नाथ नगर मनोज कुमार चौक का। और क्या काम करते हैं? बांस का काम करते हैं, सूप डाली बनाते हैं। दिखाएंगे काम एक बार? देखिए यही काम करते हैं, एक करने तो कम से कम 500 बरस से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पाए। एक बांस का कीमत था 3 रुपया, अभी एक बांस का कीमत लगता है 300 रुपया। 300 रुपया में 6 गो डाली बनेगा, उसमें 4 आदमी बैठेंगे, माँ बहन बेटा बेटी लेके, तो 4 गो 5 गो बनाएंगे, 5 तो बनाए तो 2100 रुपया, तो 500 रुपया हुआ। लेकिन आदमी पर कितना बैठा मैडम ये बताइए? 100-100 रुपया नहीं बैठा। तो इसके लिए हम लोग का छुआछूत मानता है, नहीं तो खाने पीने का कोई सामान बेच सकते हैं, नहीं खाने पीने का कहीं ले के जा सकते हैं। एगो ठेला खोले बेचने के लिए तो एक दिन तो बिक गया अनाड़ी कह के, और दूसरा दिन जब गए तो ठेला में कोई नहीं छुआ, तो हम लोग कहाँ जिएंगे? जैसे सब्जी ताव से जिएंगे, मर मर के तो रोड पर आ गए हैं, अब कहाँ देखते हैं घर कितने कितनी सा है, इतनी सा घर में क्या तो परिवार रहेगा मेरा। हम लोग को गरीब को देखभैया कोई नहीं होता है मैडम, कुछ बनाए देखते हैं, झोपड़ा झोपड़ी हम लोगों का है कि पक्का तला में। कितना परिवार है आपका? हमारा घर में 10 परिवार है, लेकिन 10 परिवार यही हाल में। देखिए उधर काम कर रहे हैं हम लोग, पेटारी बनाते हैं, सूप डलिया पेटारी, शादी ब्याह का सामान, परब का सामान, लेकिन अभी बहुत मंदा चल रहा है बाजार, टाइम लगता है, दिन भर लगता है 500 रुपया कमाने में। अभी क्या नाम है? मुकेश हरिजन। हम लोग बासपोर भी लिखाते हैं, हरिजन भी लिखाते हैं। हाँ, बच्चा लोग पढ़ लिख करके एमए बीए करके बैठा हुआ है, कोई रोजगारे न, 8-10 साल से बैठा हुआ है, कोई रोजगारे न, जहाँ रोजगार कोई चीज अगर जैसे छोटा मोटा काम भी करने के लिए चाहते हैं तो घूस मांगता है, इतना घूस दो उतना घुस दो, तो कहाँ से लाएंगे गरीब आदमी? 10 लाख रुपया कर्जा लिए, घर चुबे चले घर द्वार बने, 10 लाख 10 लाख कर्जा लिया दीदी, घर द्वार बनाए, सूद से तो मरता है कर्जा वाला। सरकार की तरफ से कोई योजना वगैरह कुछ है? कुछ नहीं, जो पहुंची हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, कल लेने वाला सब है सरकार, मिस्त्री सारा बोर्ड गिराने वाला, झाड़ू लगा मार भी आते कोई तो। हम लोग जाते हैं कैसे, ट्रक लाते हैं बांस के खरीद, वहाँ काटता है, पैसा लेबर को देते हैं काटने के लिए, वहाँ से ट्रक लोड करते हैं तब तो बांस यहाँ आता है, तो बांट करके सब ने लेते हैं। हम लोग की यहाँ घाट कमाते हैं डोम, हम लोग का हाथ के कारीगरी है, बेटी का शादी में देता है, बेटी का शादी होता है ना, इसको देते हैं, इसमें चूड़ा खाजा मिठाई सब लाद करके देते हैं, देता है सामान, जाता है उधर टाटा नवादा
पटना कलकत्ता सगर जाता है इस समय। कोई योजना आई है अभी तक सरकार की तरफ? नहीं, हम लोग को कोई योजना नहीं है, कोई योजना नहीं। राशन मिलता है? राशन तो मिलता है, सिर्फ राशन और कुछ नहीं। आपका नाम? कारो देवी। कितने टाइम से आप ये काम कर रही हैं? भोरे से कर रहे हैं। समस्या क्या है आज सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कि काम करती है तो पेट नहीं भरता है, आरो ने राशन कार्ड पर देवो करता है तो 1 किलो अनाज का बाल बच्चा खाएगा। तीन गो बेटा है, यही 2 दिन खटे तो 140 रुपया हुआ। ये देखिए 140 रुपया तीन परिवार में कमाएंगे। बोलिए। तो तुलसी मिश्रालय ने इसी समाज में हम लोग रहते हैं, जब रोड में पानी आ जाता है तो आता है तो एकदम पूरा बहाव ही हो जाता है, एक एक कमर पानी हो जाता है, नाली का पानी, कोई समाधान नहीं होता है, कोई रोजगार भी नहीं है हम लोग को। तो महीना में 3 किलो 4 किलो चावल से 1 महीना चलेगा, वो चावल देता है अरवा चार, एकदम कभी खुद्दी वाला कभी एकदम मंसूरी वाला चावल हम लोग खाते हैं, कभी माल जाल भी नहीं खा सकता है। चार रहता अभी तो दिखा देते हैं आपको। इस बार बिहार में जिस तरीके से चुनाव भी है तो आप लोग किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? रोजगार का मुद्दा है, बेरोजगारी है क्योंकि, या इसके अलावा विकास का मुद्दा है? किस तरीके से देख रहे हैं चुनाव को आप लोग इस बार? सर, हर एक साल तो मोदी जी ले रहे हैं वोट, लेकिन आप भी जो है लालू यादव को वोट देंगे हम लोग, हर किसी को नहीं देंगे। मोदी जी के राज में सब चीज महंगा हो गया है, हर एक चीज महंगा हो गया है। 40 रुपया के जी चावल है, 25 रुपया 24 रुपया के जी आलू है, 20 रुपया के जी प्याज है, कमाने है उतना, सब चीज का खाने का दाम अक्सर बढ़ गया है। टैक्स हुआ, बिजली का लाइन हुआ, हर चीज बढ़ गया है मोदी के राज में। तो जमीन का टैक्स बढ़ा दिया है, गरीब कहाँ से देगा? गरीब ले सकेगा? बढ़ा दिया है, देखिए जमीन तनी तनी वो छोटा छोटा है, जमीन के दाम बढ़ा दिया है मोदी, कैसे देगा गरीब? कैसे रहेगा गरीब? हम लोग तो नहीं है, मतलब हम तो छोटा आदमी है, बस के काम करते हैं, खाते हैं, बेचते हैं, मेहनत से बुनते हैं, आ लेता है 2 पैसा में 3 पैसा में खोजता है, कैसे पेट भरेगा? कि जमीन को टैक्स देंगे कि लाइन के पैसा देंगे, कहाँ से देंगे? हर चीज मोदी ने बढ़ा दिया है। ये बन जा, वो दे दिया हम लोगों को देने के लिए, एक अगला का गारंटी दिया, लेकिन उस गारंटी से हम लोगों से उस पर कोई हम लोगों पर यकीन नहीं है। हम मोदी जी पर यकीन है इसलिए कि हिंदू को बचाया और गरीब को, गरीब के लिए हम लोग को करवाया, टैक्स हम लोग का जगह जमीन का कम करवा दिया, 1,000 रुपया साल मांगता है, कहाँ देंगे हम लोग? 1,000 रुपया बनेगा और क्या करें, ये मातवर है खेती बाड़ी वाला, उनसे लीजिएगा तो चलेगा, लेकिन हम लोग छोटा छोटा, देखिए कितना जमीन है छोटा छोटा। लेकिन अगर अभी परिस्थिति सही नहीं है, रोजगार सही नहीं है, वो भी नहीं सही, आप कांग्रेस को वोट नहीं देंगे? नहीं, क्यों? उससे हमको को फायदा नहीं है, फायदा उसी से, और नीतीश बाबू भी रहेगा तो उसको वोट नहीं देंगे। नीतीश बाबू तो विजय मोदी जी के साथ है। हाँ, तो मोदी जी को देंगे, जो छापोगा उसी में पड़ेगा। यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं मोदी जी को वोट देंगे। जी नहीं, मोदी जी जो है ना एकदम खत्म कर दिया रात को। बने मोदी सरकार तो है, ये है, आप किसको वोट देंगे? उन्हीं के थ्रू सब उठता है। तेजस्वी यादव, वैसे यहाँ के भागलपुर के कौन है? अजीत शर्मा वो उठा। अजीत शर्मा या अजय मंडल? हाँ, दोनों में से कौन? जोन को जोन पाएंगे उसी को देंगे, कौन से करें? जहाँ जब गिराने के लिए जाएंगे तो जिसको बटाम दे दबेगा, जोन बटाम दे दबेगा उसको वोट देंगे। आपको थोड़े बोल करके वोट गिराएंगे, हैं?